लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेकी दोस्त को। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है Honor 9i और Xiaomi Mi A1 के बीच में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फोन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम दोनों फोन्स के स्पेक्स को जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज कर लीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्या यहाँ पर स्पेक्स हैं, और इसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं कंपेरिजन पर। दोस्तों, अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो एक बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आपको Honor 9i के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 5.9 इंच की फुल एच डी IPS डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जबकि Xiaomi में 5.5 इंच की LTPS। दोस्तों, अगर हम दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात करें तो इनका कंपैरिजन करना थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर घुमा फिरा के सारी चीज़ें लगभग सेम सी बन रही हैं। Huawei 9i के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बना हुआ है 16 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, जबकि यहाँ पर Xiaomi Mi A1 के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो बना है 14 नैनोमीटर पर। तो यहाँ पर जो Xiaomi Mi A1 के अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस टाइप के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बेस पर बात करेंगे तो क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी है तो पावर थोड़ा कम कंज्यूम करेगी। यहाँ पर जो Huawei के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 9i के अंदर, उसमें आप दो तरह की फ्रीक्वेंसी देखने को पा जाएंगे। एक 2.36 की है जो परफॉर्मेंस बेस पर है, दूसरी यहाँ पर 1.7 GHz की है जो एफिशिएंसी के लिए। मतलब जब आप एक फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं तब आप एफिशिएंसी वाले कोर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली जब आपका फ़ोन वहाँ पर रन कर रहा होगा तो 1.7 GHz में रन कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन होगा पावर का वो थोड़ा कम होगा। जबकि अगर यहाँ पर Xiaomi Mi A1 की बात करें तो यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा 2.0 में लगातार होगा, 2.0 GHz में वो चलेगा, 14 नैनोमीटर पे चलेगा। तो 14 नैनोमीटर की वजह से पावर यहाँ पर कम कंज्यूम होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2.0 GHz की फ्रीक्वेंसी जाएगी तो पावर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा इस तुलना में। तो घुमा फिरा के जो चीज़ें यहाँ पर बैठ रही हैं लगभग सेम सी बैठ रही हैं। इस हिसाब से अगर प्रोसेसर को देखा जाए तो एक थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Huawei 9i के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी टर्मोलॉजी यूज की है, नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी, अगर आप इन चीज़ों के बारे में और समझना चाहते हैं, मोबाइल प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट को और समझना चाहते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेमोरी दोनों में सेम है, 4 GB RAM, 64 GB ROM और 28 GB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 9i के अंदर, जबकि यहाँ पर आपको 3080 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है Xiaomi Mi A1 के अंदर। तो यहाँ पर भी आपका Huawei आगे निकल जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर प्रोसेसर की एफिशिएंसी के लिए बताया था। तो अगर बैटरी के हिसाब से उसको समझेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी एफिशिएंसी देगा Huawei 9i Xiaomi A1 की तुलना में। दोस्तों, अब यहाँ पर कैमरे में आते हैं तो इस कैमरे की तो जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये है कि यहाँ पर आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, 2 फ्रंट में 2 बैक में। तो यहाँ पर जो बैक वाले कैमरे हैं 16 और 2 मेगापिक्सल के, एक्चुअल में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फोटो देने वाले हैं। जबकि हम यहाँ पर Xiaomi Mi A1 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, दोनों ही कैमरे यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के हैं, पहला वाइड एंगल है, दूसरा टेलीफोटो है। यहाँ पर अगर सिंपल सा एक कंपेरिजन करके देखें दोनों के बीच में तो Huawei के अंदर आपको एक बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है, भले ही हल्की सी ब्राइटनेस यहाँ पर Xiaomi Mi A1 के अंदर ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है, लो लाइट आपकी फोटोग्राफी है, वो आपको बेटर देखने को मिल जाएगी Huawei के अंदर। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा नो डाउट आपको Huawei के अंदर ही अच्छा देखने को मिलता है। सेंसर्स भी लगभग आपको सारे वो देखने को मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल यूज में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों में ही नुगट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर Xiaomi Mi A1 थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, तो जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पर आपको Mi A1 के अंदर जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लॉन्चिंग की बात करें तो Mi A1 को आप ऑलरेडी खरीद सकते हैं, 9i आपको लॉन्च होगा 14 अक्टूबर को। प्राइस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 15,999 का आपको मिलता है Xiaomi Mi A1, जबकि 9i आपको मिल रहा है 17,999, मीन्स 18,000 रुपये का। तो एक यहाँ पर 3,000 का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक 15,000 रुपये का बजट लेके चल रहे हैं तो Mi A1 आप यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर दोनों चॉइसेस हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आपको जाना चाहिए Honor 9i पर। एक अच्छा सेटअप है, कुछ नया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 कैमरे आपके फ्रंट में हैं, 2 आपके बैक में, अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की भी मैंने आपके यहाँ पर बता दी कि बैटरी भी आपके यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाएगी 9i के अंदर। तो दोस्तों, ये थे आपके दोनों फोन्स। अगर अभी भी आप कुछ इश्यूज होते हैं दोनों फोन्स के बारे में तो आप नीचे उसको लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, साथ ही उसको शेयर भी कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।